अब ये बंदे को अर्जेंट जाना था, वो हॉर्न मार रहा है। अच्छा हुआ कैरेक्टर से निकले नहीं ये लोग। और हाँ, वो जो टेक मिला ना वो वैसा ही रखा है मैंने, आप देखिए ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय शाक्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल मैं वीडियो सारे व्लॉग टाइप बना रहा हूं, आई होप आप सबको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको सिर्फ ट्रेनिंग वाले वीडियो चाहिए तो वैसे भी बताना, वी विल थिंक ऑन इट। आप सभी से जब बात होती है ऑन कॉल तो बहुत अच्छा लगता है कि ऑल ओवर द इंडिया से ही नहीं बट आसपास की कंट्रीज से भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं, अपनी फैमिली है, लोग कॉल करते हैं, मुंबई आके कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। आजकल पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं कि एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना है, दुबई से फोन आ रहे हैं, पाकिस्तान है, दुबई है, यूके से कॉल आ रहे हैं, यूके से भी कॉल्स आ रहे हैं, नेपाल से तो ऑलरेडी अपने पास स्टूडेंट है ही। मेरा कहना ये है कि अगर नहीं आ पा रहे हो ना तो आप लोग ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो। ऑनलाइन एक्टिंग क्लास भी है अपना, जो हम लोग ऑफलाइन में सिखाते वही ऑनलाइन में भी है। Yes. जब भी आप लोग फोन करोगे ना लेट सैक में, तो ध्यान रखिए कि सवेरे 10 बजे से 7 बजे का टाइम है, 10 के पहले कॉल नहीं करना है और शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं करना है, क्योंकि जो ऑफिशियल टाइम है उसी टाइम में आपको बात करनी है। और जिन्होंने कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करके रखा है, जो आने वाले हैं, ऐसे लोगों के पास हमारे पर्सनल नंबर्स भी होते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत आए या बहुत ज़्यादा कुछ अर्जेंट हो तो आप वैसे समय में कॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि एक्टिंग क्लास के अलावा भी हमारी फैमिली है, फैमिली को, बच्चों को, अपनी पर्सनल लाइफ होती है, टाइम देना होता है। तो ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम, बाकी टाइम में परिवार, घर, इनको सीरियल भी देखनी होती है ना कि सास और बहू के बीच में क्या हुआ, वो सब चीजें चलते रहती है, क्या करें। नवंबर वाली बैच के लिए एक स्टूडेंट आए हैं जतिंदर, तो तकरीबन पिछले 4 सालों से वो चैनल देख रहे थे, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो आ नहीं पा रहे थे, और इस बार उनका बना आना तो वो डायरेक्टली आ गए। बट फिर क्या हो जाता है कि अगर हमें पता होता है, कन्फर्म होता है, तो हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करती है ना, तो वो डायरेक्टली आए। फिर उनका रात में वो 1 बजे आई गेस यहाँ विरार में पहुँचे, तो फिर उनको रुकना पड़ा, और फिर वो मुझे पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, तो उनका कॉल या मैसेज को भी मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो ऐसी दिक्कतें फिर आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल वाले को भी हमें कन्फर्मेशन देना पड़ता है, क्योंकि उनके वहाँ पर भी सीट फुल होती है, तो उस वजह से विदाउट कॉल किए या बगैर इन्फॉर्म किए तो आप आइए ही मत। एक कॉल कर लीजिए, पूछिए कि मैम, भले ही फिर यहाँ आने के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि ज्वाइन करना है नहीं करना है, जो भी है, लेकिन कॉल करके ही आइएगा। पर ऐसे भी होता है कि मेरी बात होने के बावजूद भी सब्सक्राइबर फैमिली का कहना होता है कि 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन विनय सर से बात करें। ये तो उनका प्यार है, खैर कि वो बात करना चाहते हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो है जिसमें एक्टिंग क्लास भी दिखाया है मैंने, और दिन भर मेरा क्या काम होता है वो दिखाया है। तो हर किसी से बात करना तो पॉसिबल नहीं है फ़ोन पर, लेकिन मेरी तरफ से जो मेरे ग्रोथ कंसल्टेंट्स है, जो टीम है मेरी, वो आपके लिए ही है, आपको जानकारी देने के लिए है, तो उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, उनकी बात पर विश्वास करना होगा। वो जब बोलते हैं कि हाँ आपको इतना अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन करना है तो करना होगा, ऑफिशियल नंबर है, लेट्स एक्ट का अकाउंट है, जो नाम आता है, आप जब पे करते हो ना, क्यूआर कोड जब आपको ये लोग भेजते हैं तब आपको नाम आएगा ना लेट्स एक्ट का, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ऑफिशियल नंबर है करके। और हमारी टीम कौन है वो भी आपको पता है, आप स्वरूपा मैम से ज़रूर एक बार बात कर लेना, बाकी जो ग्रोथ कंसल्टेंट है उनके साथ बात करने के बाद भी उनको बोलना कि एक बार मैम से बात करवाइए करके। हर किसी से बात नहीं हो पाएगी, दिन में तकरीबन 200 से 250 फ़ोन आते हैं, ये सब आपका प्यार है, लेकिन आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब भी मैं लाइव आता हूँ या जब मैं फ्री वर्कशॉप दूंगा आपको, ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप, तब हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। लड़की छेड़ता है सर, मैं सच बोल रहा हूँ।
ये फंसा रही है फालतू में, एक तो पैसे भी मेरे ले लिए, ऊपर से झूठ बोल रही है। मैं फंसा रही हूँ तुझे? रुको रुको, मैम आप बोले, क्या हुआ? सर इसे मैं जानती नहीं हूँ, पता नहीं मैं जा रही थी, अचानक से सामने आ गया और बदतमीजी करने लगा। सर वो मेरे दोस्त के सामने मैंने इसको पैसे दिया था और वहाँ पे सीसीटीवी भी है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। तूने पैसे लिए? किराना नहीं सर, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। किराना दुकान के सामने मैंने दिया था इसको पैसे, मैं सीसीटीवी भी दिखा सकता हूँ। Hi, I am Neelam from Assam और मैंने Let's Egg join किया है और मैं यहाँ बहुत enjoy कर रही हूँ। मैं पंजाब तो जितेंद्र सिंह, तो मैं विनय सर दे लड़ सकते एक्टिंग सीखना है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है मैनु। मैं 3 महीने का कोर्स करना है, तो बहुत enjoy कर रहे हैं। Hi, मैं मोमो विश्वास, मैं आसाम से हूँ। मेरा सपना है एक्टर बनना, पर एक्टर बनने के लिए एक्टिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आ गई मुंबई लेट्स एग जॉइन करने के लिए विनय सर के पास। तो बहुत मस्ती हो रहा है यहाँ पे, अच्छा भी लग रहा है। हाय, मेरा नाम बबीता चौहान है और मैं यूपी से हूँ। अभी मैंने लेट्स एग ज्वाइन किया है, यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स 5 नवंबर के बैच के, और जो भी आ रहे हैं सबका वेलकम। अब इनके साथ मैं एक शूट कर रहा हूँ थिएटर आर्टिस्ट की जो ज़िंदगी होती है उस पर। सो ये वीडियो अपलोड हो गया है कल रात में, अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको देता हूँ। ये जो वीडियो है ये मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स से शूट कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको पता होगा तो मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ, था, मैंने 5 से 7 साल फ़ोटोग्राफी की है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है शूटिंग का और वो एडिटिंग का वगैरह सब। सो कुछ वीडियोस हम ऑन द स्पॉट बनाते हैं, जैसे ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं कि कोई एक टॉपिक निकाल के, और फिर सोचते चलो इसको शूट किया जाए। आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और ऑन फ्लोर जो भी लोकेशन अवेलेबल होगा उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग शूट करते हैं। वो पीछे जो मैडम दिख रहे हैं ब्लू शर्ट वाले, वो फैकल्टी है हमारे लेट्स एक्ट के, और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस वीडियो में, आप ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। ऐसे शॉर्ट फिल्म्स बनाने से बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है, एक्टर को कैमरा एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो हम कोशिश करते हैं कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों प्रैक्टिकली सिखाई जाए, ये नहीं कि एक टॉपिक लेके हम भाषणबाजी कर रहे हैं, उससे क्या होता है बच्चे बोर हो जाते हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन टीचिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही हमारी कोशिश होती है। अभी आप जिसको शूट करते हुए देख रहे हैं ये इवनिंग बैच का स्टूडेंट है शैलेश। शैलेश की खासियत ये है कि शैलेश को अपना लुक बदलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी भी आप देखिए उसकी हेयर स्टाइल, सो कभी दाढ़ी रखेगा, कभी दाढ़ी निकालेगा, कभी नॉर्मल हेयर स्टाइल रखेगा, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, अतरंगी सतरंगी हमारा प्यारा स्टूडेंट है शैलेश। वो भी बहुत अच्छे से शूट और एडिट सब चीज़ें करता है, आया है एक्टिंग सीखने के लिए, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट शैलेश का है फिल्म मेकिंग में। सो बहुत सारे हमारे फिल्म मेकर्स भी तैयार हो रहे हैं, इससे बड़ी इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। अच्छा, ये सारे हमारे न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं और मैं अभी इनको लेके जा रहा हूँ एक खास जगह, आपको भी दिखाता हूँ, और इनको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब भी पूछेंगे। सो ऐसी गप्पे मस्ती मजाक धमाल फ्री टाइम है तो हम लोग ये कर रहे हैं। हेलो ओके, तो चारों मुझे बताओ सबसे पहले कि आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं है पाजी, कोई भी नहीं है। तो ये KFC है हमारे क्लास के नीचे, यहाँ पर हम अभी बर्गर खाएंगे। बर्गर खाना चाहते हो आप लोग? हाँ, खाना चाहते हो ना आपके साथ जरूर। हाँ
आपके साथ जरूर सर। मेरे साथ जरूर। ओके, बर्गर का जो पैसा है उसकी चिंता मत करो, वो पैसा मैं ही दूंगा। ठीक है सर, लेकिन इतना ही, एक एकदम सस्ता सा बर्गर निकालूंगा और वो हम खाएंगे। तो चलो चलते हैं, कम कम इनसाइड। क्या है, वेज नॉन वेज? चलो वहाँ बैठो। नहीं तो ये बर्गर हमने सस्ता वाला खा के ख़त्म कर दिया है। बबीता वीडियो बना रही है, शूट कर रही है। चले 5 नवंबर की बैच के ये सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। इनकी बैच में तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब लोग आना बाकी है। ये लोग जल्दी आ गए तो हमने उनका भी एक क्लास शुरू कर दिया है, बेसिक एक्टिविटी। जो बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं आने वाले, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको बस यही कहना है, जल्दी जल्दी आ जाओ, अपने सपने भी पूरे करो और इंजॉय भी साथ साथ। तो हम तो आ गए, कब पूरे करोगे? जल्दी जल्दी। हाँ तो दोस्त, जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी। तो फिलहाल जो मौका है हाथ से जाना नहीं चाहिए। हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी जल्दी आओ ताकि हम लोग सब साथ में इंजॉय करें। मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको आना है तो जल्दी आओ क्योंकि बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं और सस्ता बर्गर भी खा रहे हैं। फ्री में सर खिला रहे हैं। ये अच्छा था, सस्ता बर्गर वाला पंच अच्छा था। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल।